Talaiwas. डरो या मरो, यही मंत्र होगा आज तमिल थलाईवास का। प्लेऑफ्स में जगह बनाने के लिए और इन जूनियर बच्चों को इंस्पायर करने के लिए आज इन खिलाड़ियों को अपना ए गेम दिखाना होगा। लेकिन सागर और साहिल, अब ये कप्तान के ऊपर है कि किस प्रकार से आज टीम खेलती है, और आपके पास भी मौका है, अपनी टीम जरूर बनाइए। Put your hands together for three-time champions, the Patna Pirates. जयपुर में पटना पायरेट्स का जहाज डॉक कर गया है। हालांकि रेगिस्तान के बीच में भी ये जहाज पहुंच सकता है, और जयपुर के दर्शक इंतजार कर रहे हैं एक बेहतरीन कबड्डी के मुकाबले का, और देखने को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कृष्ण और अंकित जागलान आपके लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर को संभालेंगे। आप भी अपनी टीम जरूर बनाए। बड़ा मुकाबला शुरू होने वाला है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर टॉस हुआ, तमिल थलाईवास ने टॉस जीता है और पहली रेड होगी पटना पायरेट्स की। टॉस जीतना काफी नहीं, मैच जीतना है तमिल थलाईवास को प्लेऑफ्स में बने रहने के लिए। कहते हैं कि आज की शाम तमिल थलाईवास की है, क्या कहते हैं निशांत, कि आपने जो प्रीशो में कहा था पटना पायरेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या पासा पलटने वाले, पार्टी बदलने वाले? मुझे लगता है पटना आज अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी। पिछला मैच अच्छा रहा था, कम बैक करती है जो टीम वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है, और वही करके दिखाया आज सचिन ने। पटना पायरेट्स कमाल का ये प्रदर्शन शुरुआती पॉइंट्स के लिए, और अब नरेंद्र पे निगाहें। तमिल थलाईवास के लिए अभी तक अच्छी शुरुआत थी नहीं, लेकिन अब ये है शुरुआत नरेंद्र के लिए। दो पॉइंट्स तमिल थलाईवास नंबर वन है, नंबर टू। निशांक, आपको अपना स्टांस बदलना होगा। आज तमिल थलाईवास की रात है, क्योंकि तमिल थलाईवास को पता है कि ये मुकाबला जीतना उनके लिए कितना आवश्यक है। बिल्कुल, हमेशा ऐसे होता है जब चेंजेस ज्यादा होते हैं तो निरंतरता दिखती नहीं हमें टीम में, वही देखने मिला। पर एम अभिषेक आज बहुत सेट दिख रहे हैं, जिस तरह से मंजीत को इसके पहले टैकल किया था, और अब इनफॉर्म सचिन तंवर को, बहुत ही जबरदस्त ब्लॉक, पूरा चेन लेके आए थे साथ में। थोड़ा टाइम ये भी लेते हुए, इनके अगेंस्ट एक प्रॉपर फुल स्टैक डिफेंस है, और इस सीजन में अभी तक 65 रेट पॉइंट्स है। डुबकी मारने की एक कोशिश, कमाल का ये खिलाड़ी सुधाकर, क्या दिमाग से खेला है। नंबर 10, नंबर 7, बहुत जबरदस्त है डुबकी सुधाकर की। थलाईवास के खिलाफ खास करके अच्छा प्रदर्शन रहता है सुधाकर का, और ये डुबकी बहुत ही बेहतरीन। मोहित आए थे, सिंगल आए, अगर चेन लेके आते, लो चेन लेके आते तो ये टैकल सक्सेसफुल होता, पर इसके बहुत ही बेहतरीन सुधाकर का। ये डू ऑर डाई रेड में नरेंद्र इस समय डू ऑर डाई है, पॉइंट निकालना बहुत ज्यादा जरूरी, लेकिन हुई दिक्कत। पकड़े गए और पकड़ा दिया अपने आप को, यहां पर बचने की भी कोई कोशिश नहीं। डू ऑर डाई रेड आएगी, इसलिए तमिल थलाईवास बस रेड करती रही, कोई पॉइंट्स नहीं निकाले। पहले पटना पायरेट्स की डू ऑर डाई, और सुधाकर इस रेड में चार का डिफेंस। जैसा फुटवर्क है वैसे ही आंखों से और दिमाग से सचेत रहना पड़ेगा, और साहिल और सागर दोनों के पास पॉइंट्स हैं, लेकिन यहां सुधाकर को बाहर करने की अच्छी कोशिश। बिल्कुल, बहुत डीप चले गए थे, मौका दिया साहिल को वो डैश करने का। और इधर एक और डू ऑर डाई रेड, और इस डू ऑर डाई रेड में पॉकेट डायनामाइट के पवार, बार बार राइट पर कॉर्नर पर खिसकते हुए और लेकर गए उन्हें बाहर। बिल्कुल बाहर किया जिनके पवार ने, बहुत एडवांस गए थे कृष्ण दुल्ला, जिनके पवार कंफर्टेबली मिड लाइन तक आ गए। भूख बड़ी होनी चाहिए, तमिल थलाईवास को पता है कि ये मुकाबला उनके लिए कितना जरूरी है, इसलिए एक अलग तमिल थलाईवास नजर आ रही है। और कैप्टन सागर ये जिम्मेदारी लिए, चेन टैकल लेके आए थे। कैंट और लीजिए, यहां पर डू और डाई रेड आई है तमिल थलाईवास की तरफ से। नरेंद्र ने ये पॉइंट कमाया, मनीष को बाहर किया है। नरेंद्र बाहर नहीं गए थे, मनीष ने पहले कोर्ट को छोड़ा, नरेंद्र ने मौके का फायदा देखा, नीरज को भी आउट किया उसके बाद। मालेदार
कुछ तो है जो देखेगा। अभी तक के तो कोई डिफेंडर बाहर नहीं दिख रहा निशांत, आपकी नजर से कुछ छुपता नहीं पता? बिल्कुल ऐसे लगा तो नहीं डिफेंडर बाहर है, पर टच होने के बाद शायद हिमांशु बाहर गए थे, क्योंकि रोहित का जो हाथ है वो पहले साहिल पे लगा है, उसके बाद हिमांशु ने, ये रेडर को आउट दिया जाएगा और डिफेंडर सेफ रहेंगे। बोनस पॉइंट पटना पायरेट्स, ऑल आउट, 1+3 पॉइंट्स तमिल तलाई। बोनस दिया गया है और रेडर आउट हुआ है। बहुत ही उम्दा कबड्डी देखी है हमने निशांक और कुछ लेजेंड्स के साथ में, और यहां पर सागर और साहिल, तमिल थलाईवास के दो कॉर्नर्स और दोनों डिफेंडर्स आज, और सुधाकर ने ये पॉइंट लिया है, तमिलनाडु के रहने वाले सुधाकर, रनिंग हैंड टच सुधाकर का मोहित के ऊपर, मोहित की तरफ से दो पॉइंट्स लीक हुए, पर ये अजिंक्य पावरफुल पावर तैयार है आज भी, और पॉइंट निकाल भी लेंगे बड़ी आसानी से, मिसकम्युनिकेशन हुआ था चेन टैकल से। आज पटना पायरेट्स के लीड रेडर के तौर पर उभर रहे हैं सुधाकर, हालांकि इस वक्त गिरफ्त में लिए गए, तीन पॉइंट्स उनके नाम, सागर ने धर दिया सुधाकर को, ऐसे इंस्टेंट पर्सिव ऐसे देखने नहीं मिलता हमें, आज सचिन को जिम्मेदारी लेनी होगी, टीम के स्ट्राइक रेडर है, लगातार पॉइंट स्कोर कर सकते हैं और ये करके दिखा सकते हैं। और आज की शाम दोनों सागर और साहिल के पास दो दो टैकल पॉइंट्स हैं, और इस बार पॉइंट्स में इजाफा करने की कोशिश तमिल थलाईवास की, आप कॉर्नर्स की तारीफ करते रहे, डबल डिफेंडर काम कर गया आज तमिल थलाईवास की तरफ से, सारे के सारे डिफेंडर्स पॉइंट्स उठा रहे हैं, और एम अभिषेक का ये तीसरा पॉइंट है आज, जैसे कि हम बात करते हैं निशांत की, बहुत सारे रेडर्स नए ट्राई किए, ऑलमोस्ट 11 रेडर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल मंत्रा बस रेडर ट्राई किए तमिल थलाईवास ने, पर ये रनिंग हैंड टच मंजीत का सागर के ऊपर, और ये पटना पायरेट्स के डिफेंस को सुनिए किस तरीके से, चढ़ के बोलो पटना पायरेट्स का मंत्र, बिल्कुल अंकित मनीष दोनों का कॉम्बिनेशन देखने मिला इस टैकल में हमें, 6 पॉइंट्स का ये फासला, 5 मिनट बचे हैं पहले हाफ में, एम अभिषेक राइट कॉर्नर पे, और लेकिन इस समय बहुत ज्यादा मुश्किल मंजीत, और इस समय ये डू ऑर डाई रेड नरेंद्र, इस बार तो पॉइंट निकालने जरूरी है, लेकिन ये जरूरत बन जाएगी अंकित के सामने, रनिंग हैंड टच की कोशिश थी नरेंद्र की, आगे बढ़े थे अंकित के पास, पर मौका देखते ही वो डबल थाई होल्ड करके रोका अंकित ने, और सचिन को रिवाइव करके अंदर ले आए और सीधा डू ऑर डाई रेड पर भेज दिया गया सचिन को, हाँ गति पकड़ ली है 99 नंबर की जर्सी वाले सचिन तंवर ने, डू ऑर डाई रेड में धर लिए गए सचिन तंवर एक बार फिर, अभिषेक सीजन का पहला हाई फाइव इनके नाम, देर आए और दुरुस्त आए, और बहुत ही बेहतरीन आए जिस तरह से वो होल्ड किया अभिषेक ने, 7 पॉइंट्स की लीड, एम अभिषेक का पहला हाई फाइव सीजन का, और एम अभिषेक एक ऐसे खिलाड़ी है जिस पर कोच ने हमेशा भरोसा किया है, टैकल बहुत ही बेहतरीन, साहिल लेके आए थे चेन, जिस तरह से चेन में फंसाया और पूरी टीम ने सपोर्ट, ये मौका है तमिल थलाईवास के पास में, लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा, डू ऑर डाई रेड है क्या अजिंक्य पवार यहां पर पॉइंट्स उठा पाएंगे, पटना पायरेट्स को धकेल पाएंगे, ऑल आउट की तरफ निकल चुके हैं अजिंक्य पवार, स्लाइड करते हुए पता था अंकित जो है वो डबल थाई होल्ड पे जाएंगे, जंप लगाया उनके ऊपर से, जिस तरह से स्लाइड किया मिड लाइन के पास, बहुत ही सुंदर। इसी के साथ आज के मुकाबले का पहला हाफ समाप्त हुआ, तमिल थलाईवास के लिए करो या मरो की स्थिति, डू और डाई, क्योंकि अगर प्लेऑफ्स में टॉप 6 की पोजीशन में बने रहना है तो उन्हें ये मुकाबला जीतना ही होगा,
आज की शाम के पटना पायरेट्स वर्सेस तमिल सलाइवास के मुकाबले के पहले हाफ की तीन बड़ी कहानियां। नरेंद्र का सुपर हिट प्रदर्शन, 5 रेड पॉइंट है, 5 रेड पॉइंट को अगर हम सुपर हिट कह रहे हैं तो जरा सोचिए आगे क्या होगा। सलाइवास का डिफेंस टॉप फॉर्म में, एम अभिषेक का हाई फाई सीजन का पहला, और पटना के रेडर्स का पलटवार जारी, 8 रेड पॉइंट। लेकिन आज का मुकाबला तमिल सलाइवास के लिए डू और डाई। लेकिन पटना पायरेट्स तीन बार की चैंपियन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बिल्कुल कमबैक करना पॉसिबल है और पिछले मैच में पटना पायरेट्स ने कमबैक करके दिखाया था और आज भी करना होगा पटना पायरेट्स को। अगर ये मैच में लौटना है तो डिफेंस बहुत ज्यादा पॉइंट लीक कर रही है, डिफेंस थोड़ा स्ट्रांग होकर खेलेगी, रेडर्स को रिवाइव करेगी तो ये कमबैक पॉसिबल है। और ये डू ऑर डाई रेड तमिल सलाइवास के लिए डू ऑर डाई ये मैच। रेडिंग में भी उम्दा प्रदर्शन, डिफेंस में भी उम्दा प्रदर्शन। अजिंक्य इनका अंकित के ऊपर से वो जंप एस्केप देखा था और इस बार भी एक और वैसा ही निशाना। फुटवर्क करके ललचाया, पूरी तरह से मूव किया मैट पर अजिंक्य पवार ने और जिस तरह से रोहित जो थे खुद गए सरेंडर होने के लिए। ये होता है फुटवर्क करके पूरे टीम को डिस्टर्ब करना और डिफेंस को ललचाना। और नीरज को जाना पड़ा है डू और डाई में क्योंकि कोच साहब ने थोड़ा सा वक्त ले लिया सब्स्टिट्यूशन के लिए और इसीलिए अब नीरज साबित कर सकते हैं यहां पर कि क्या वो एक ऑलराउंडर है। काफी करीब, वन पॉइंट तमिल सलाइवास। क्या एक बार फिर से एम अभिषेक दे, एम अभिषेक वॉज इट यू एक बार? बिल्कुल एम अभिषेक का ये डैश बहुत ही बेहतरीन, चेन लेके आए थे, साथ मिला मोहित का और ये बहुत ही आसान सा ऑल आउट तमिल सलाइवास के लिए। बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे रेडर्स हमने देखे, डिफेंस में भी बहुत चेंजेस थे और आखिर जाके वही टीम जो पहले दिन मैच खेली थी वही उनकी स्ट्रॉन्ग यूनिट आज रंग लाई है। और खास करके एम अभिषेक की बात करें, हर मैच खेलने मिला है उनको और आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं एम अभिषेक वाकई काबिले तारीफ है। वो बिल्कुल जर्सी जो है ब्लू जर्सी शायद से वो उनको लकी साबित हो रही है आज, पर टीम वर्क आज देखने मिला हमें तमिल सलाइवास का। रेडर्स अपना काम कर रहे हैं, डिफेंस में भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। अभिषेक को देख रहे थे लेकिन उसी चक्कर में हिमांशु ने वो डबल टाई होल्ड निकाला, टॉस किया और बस पॉइंट अपने पास रख लिया। और इस वक्त एक बार फिर पटना पायरेट्स के केवल 4 खिलाड़ी मैट पर। अजिंक्य पवार छलांग लगाई उन्होंने पिछली एक रेड के अंदर, क्या एक बार फिर से वही होने वाला है? पटना पायरेट्स के अंकित जागलान के ऊपर से उछल के जाएंगे। बहुत ही अच्छा टैकल है अंकित का, थोड़ा सा मोमेंटम खोया था अजिंक्य पवार ने अपने फुटवर्क से भटके, बैलेंस गया वैसा ही उसी मौके का फायदा उठाया अंकित ने और मनीष ने। देखिए आज रेडर्स चल नहीं रहे पटना पायरेट्स के और जिस तरह से तमिल सलाइवास का डिफेंस खेल रहा है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा किसी भी रेडर के लिए पॉइंट स्कोर करना। ये गेम तमिल सलाइवास एक झड़ी लगा रहे हैं और अपने साथ ले जा रहे हैं। अब देखना यह है कि वो गति का बदलाव होगा कब, क्योंकि इस हाफ के अंदर भी 7 मिनट के ऊपर चल चुके हैं। कमबैक करना पड़ेगा, दिक्कत होगी लेकिन जब ऐसा डिफेंस हो तो क्या कहने। ये धक्का हिमांशु की तरफ से आया और उसके बाद पूरी टीम आ गई हुई। वो बराबर से डिफाइन कर सकते हैं हम क्योंकि हिमांशु सिंह बहुत ही बेहतरीन आज भी ये फॉर्म में दिखे हमें और मोहित ने काम करके दिखाया पहले तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में आज नरेंद्र दिखे, जिम्मेदारी लेकर खेल रहे रीडिंग में। डायरेक्ट है यहां पर, पॉइंट लेना जरूरी, छलांग अच्छी लेकिन फाइनली 2 पॉइंट्स की यहां पर बड़ा सा पटना पायरेट्स के लिए टैकल, मगर की जकड़ से बचना मुश्किल। अंकित एक ऐसे खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पटना पायरेट्स की डिफेंस में। कुणाल मेहता नए खिलाड़ी अपना पहला मैच खेल रहे हैं, जिम्मेदारी होगी इन पर पॉइंट ले आने की, रनिंग बोनस की कोशिश। डू ऑर डाई में इनकी जिम्मेदारी थी लेकिन इस चेन से अब कैसे बचे।
ये साहिल की चेन है और उन्हें पॉइंट्स का किनारा आसानी से मिलता है। या साथ में हिमांशु भी बिल्कुल दोनों कॉर्नर्स ने आज बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। जो रेडर्स आगे रनिंग हैंड टच के लिए आ रहे चेन लेके खड़े रहते हैं, सागर ने भी ये कारनामा करके दिखाया और साहिल ने भी बहुत ही जबरदस्त दिख रही है आज तमिल तलाईवास की डिफेंस। और एक और बार सुपर टैकल, सुपर पायरेट्स के डिफेंस पे कहा हम यहाँ सब तो खाने के लिए आए। अब देखिए आप हमारा भी जलवा, रॉफ सुपर टैकल मगर की जकड़ से बचना मुश्किल। दो दो पॉइंट करके ऐसे ही अगर ये सुपर टैकल करते रहे तो ये 10 मिनट के बचे हुए खेल के अंदर कमबैक कर सकती है पटना पायरेट्स। सुधाकर इस समय रेड पे निकलने की उनकी कोशिश, क्या हाथ लगा है, जी हाँ दो खिलाड़ी बाहर जाएंगे। मोहित को इस बार देखना था और दिक्कत हुई। मोहित गए थे एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस गए, वो टर्न लेके एस्केप किया मिड लाइन की तरफ सुधाकर ने। वो तो सुपर टैकल्स भी थे जिन्होंने थोड़ा सा मोमेंटम दिया पटना पायरेट्स को, और सुधाकर के लिए कहा गया था कि जल्दी जल्दी लेना और बोनस उठाने की कोशिश करना। इस बार बोनस नहीं है लेकिन छोटी रेड से करके उनको आना पड़ेगा। बिल्कुल छोटी रेड करनी पड़ेगी और वापसी करने वाली टीम है इस सीजन में। लीजिए छोटी बड़ी कैसी भी रेड हो पॉइंट मिले, ये होता है फिनाले। बिल्कुल बहुत ज्यादा एडवांस आया इस हिमांशु, जरूरत थी नहीं, अटैक नहीं किया था सुधाकर ने। ओहो गुलाटी लगाई सुधाकर ने पटना पायरेट्स, और पटना पायरेट्स इस गेम में कुछ पलटवार कर रहे हैं और आउट किया नरेंद्र को। नरेंद्र को उनके पास गए और पॉइंट्स निकालने के लिए अजिंक्य पवार है मैट पे। टू हटाइए रेड साथ का डिफेंस लेकर गए हैं डू ऑर डाई रेड में पॉइंट। अजिंक्य पवार ही इज आस्किंग फॉर अ बोनस। बिल्कुल पता है उन्हें कि अजिंक्य पवार इस मैच को ले आ सकते हैं, पॉइंट ला सकते हैं उस सिचुएशन में, ये जिम्मेदारी दिखाई। और ये मोमेंटम इस वक्त सुधाकर के पास, और उस मोमेंटम का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं सुधाकर। बहुत एडवांस गए थे सागर, सुधाकर भी बहुत डीप गए थे पॉइंट हासिल करने के लिए। साहिल अगर डैश के लिए जाते तो वो टैकल कंप्लीट हो सकता था। अजिंक्य पवार बैक किक करके ये पॉइंट हासिल किया कृष्ण धुल पे। वो तमिल तलाईवास ने अपनी टीम में एक स्टार डिफेंडर को बुलाया, बस्तामी अंदर आए हैं। यहाँ हाफ टाइम में वापसी करने वाली टीमें जो है वो आप देख सकते हैं कि 10 पॉइंट से ज्यादा का जब अंतर होता है तो एक टीम ही जीती है। और सचिन एक साथ दो पॉइंट ले करते हैं, सुधाकर की जगह सचिन का ये स्ट्रैटेजी रही उनकी। राइट कॉर्नर पोजीशन नहीं था उस वजह से सचिन को भेजा जो राइट के रेडर है, और उन्होंने काम करके दिखाया। साहिल को भी लिया और साथ साथ अनिरुद्ध बस्तामी को। अमीरुद्दीन बस्तामी अभी आए थे और अभी जाना पड़ा, पर अजिंक्य पवार फुटवर्क अच्छा है, तो टच की कोशिश भी थी उनकी राइट कॉर्नर पे। थोड़ा समय निकालते हुए अब लेफ्ट कवर पे, इनफैक्ट लेफ्ट कॉर्नर पे जाना चाहते थे हावी हुए, पर सचिन को ही पार किया। दो मांग रहे हैं, दो पॉइंट्स की डिमांड है, लेकिन सचिन तवर अकेले गए हैं बाहर। अजिंक्य ने भी बोला चलो ठीक है भाई, ज्यादा लालच नहीं करना, हम रख के सुधाकर तैयार। और ये सुधाकर की फेवरेट टीम है जिसके खिलाफ वो पॉइंट्स कमाते हैं। पिछली बार भी तमिल तलाईवास के खिलाफ सुपर 10 लगाया था, और एक बार फिर तमिल तलाईवास के खिलाफ सुधाकर अपने टॉप फॉर्म में। बिल्कुल कोच की बात सुनते हुए पटना पायरेट्स के रेडर छोटी रेड करके पॉइंट ला रहे, पर अब दिक्कत जो है पटना पायरेट्स की वो डिफेंस में आ रही है, अजिंक्य पवार को रोक नहीं पाए। ये तीसरी रेड है अजिंक्य पवार की, लगातार पॉइंट ला रहे पॉइंट्स टू पॉइंट्स उठा रहे हैं, लेकिन डिफेंस जो पॉइंट्स लीक कर रहा है वो ऑब्वियसली बहुत बड़ी मुश्किल बन रही है। जितने पॉइंट्स रेडिंग में आते हैं डिफेंस वो दे देता है। बिल्कुल डिफेंस बार बार पॉइंट लीक कर रहा है, और जिस तरह से अजिंक्य पवार प्रेशर बना रहे रेड में जाके वो मोमेंटम बनाने नहीं दे रहे पटना पायरेट्स को। लीजिए एम अभिषेक राइट कॉर्नर पर, और ये दोनों कोचेस के बीच की भी जंग है। नरेंद्र रेडू और आशा, देखिए
उन्हें पता है कि उन्होंने अभिषेक को अंदर भेज के सही डिसीजन लिया, रॉन्ग सुपर टैकल, मगर की चक्कर से बचना मुश्किल। बहुत ही जबरदस्त डाई है मोहित का, रॉन्ग साइड में गए थे सुधाकर, वेट किया एक सेकंड के लिए, मौका दिया डाइव लगाने का, बिल्कुल पूरी तरह से मोमेंटम जो था पटना पायरेट्स बना सकती थी वो अजिंक्य पवार ने उनकी खारिज कर दी है। जिस तरह से पॉइंट लाया अजिंक्य पवार वापस आके, मस्त तो लग रही थी आज, मस्त लग रही है आज। तमिल तलाईवास के सितारे जो हैं वो बुलंद हैं, खास तौर पे पिछले कुछ सालों के अंदर जब से प्रो कबड्डी की शुरुआत हुई है, बच्चों को अपने अपने बिल्डिंगों के बाहर कबड्डी खेलते हुए देखा है। आज की शाम तमिल तलाईवास के डिफेंस को देखा है हमने, एम अभिषेक के 6 पॉइंट्स, और लीजिए डिफेंस की बात करते करते सागर ने पॉइंट लीक कर दिया। बहुत ज्यादा एडवांस आने की कोशिश थी सागर की, मनजीत का एस्केप, बहुत ही बेहतरीन अजिंक्य पवार फिर से डू और डाई रेड में जिम्मेदारी लेकर 5 की डिफेंस में। देखना होगा कि अटैक कहां पर करते हैं, अंकित पर करेंगे या कृष्ण ध्रुव को किक करते हैं। पवार को चाहिए पेशेंस, पॉइंट्स ऑफ प्रिसिजन, और वो तीनों मिलेंगे। इस रेड में कृष्ण ध्रुव को बार किया कितने स्मार्ट है अजिंक्य पवार, वो वापस नहीं जा रहे क्योंकि वो पूरे पूरे 30 सेकंड निकालना चाहते हैं। पटना पायरेट्स का होम लेग बाकी है, आगे दिखेगा, लेकिन ये 3 मुकाबले और ये 1 पॉइंट है। पटना पायरेट्स आमिर के ऊपर से छलांग लगाकर गए हैं मजीद, जिस तरह से तमिल तलाईवास खेली है बाकी जो उनके बचे हुए मैचेस है उनमें अगर ऐसा ही प्रदर्शन हमें दिखा शायद ये टीम प्लेऑफ्स में जाएगी। बस सवाल यही है कि इस जीत के बाद भी क्या शफलिंग होगी इन टीम के प्लेयर्स की, क्या तब भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे? दुखती रथ पे हाथ रख रहे हो ओशन तुम, नंबर 7। बात तो बिल्कुल सही कही ओशन ने वैसे कि तमिल तलाईवास की टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद इस सीजन में यही रही कि उन्होंने टीम को कंसिस्टेंटली नहीं खिलाया। उन्होंने डिफेंस में भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया और बाकी ओवरऑल पूरा डिफेंस। जब दिन आपका होता है तो सब कुछ आपका होता है, आज तमिल तलाईवास का दिन है, सिंगल हैंडेडली वो टैकल पॉइंट निकाला है साहिल गुलिया ने। क्या बात है तमिल तलाईवास, क्या बात है साहिल गुलिया, डिफेंस चल पड़ा, रेडिंग चल पड़ी, ये वो तमिल तलाईवास लगी नहीं रही थी जो इस सीजन में बैक टू बैक हार रही थी। देखिए 4th जीत है उनकी इस सीजन की और डिफेंस के चलते ये जीत निकली है। जहां एम अभिषेक चले, जहां कवर से धावा बोलना शुरू किया सागर और साहिल के, तो क्या ही कहने, एक हाई फाई साहिल गुलिया को के पास भी आया और सागर को जीत का वो किनारा मिला, वो साहिल मिला जो चाहिए था। चलिए भाई जरा पॉइंट टेबल पर नजर डालें, जयपुर पिंक पैंथर्स नंबर 1 की पायदान पर, पुनेरी पल्टन नंबर 2 की पायदान पर, ये जो 6 टीमें हैं ये प्लेऑफ्स की तरफ बढ़ेंगी। तमिल तलाईवास का प्रमोशन हुआ फाइनली जाके 11वें-12वें की पायदान से निकलकर वो 10 तक आई, यूपी योद्धा प्रदीप नरवाल की टीम 11वें पायदान पर, जरा सोचिए। और आपको याद दिला दें कि टॉप 6 टीमों को ही मौका मिलेगा प्लेऑफ्स में जाने का, तो ये जद्दोजहद जो है वो बेसिकली टॉप 6 में जाने की है।